हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्टर फ्रेंड्स में। दोस्तों, आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप आरपीएफ जो कि नई वैकेंसीज निकली हैं 1 जून 2018 से, उसका फॉर्म कॉन्स्टेबल का कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पर दूंगा, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको सब कुछ दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहें, कुछ भी छोड़िएगा मत। क्या पता कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन रह जाए, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी साइट है आरपीएफ की, और इसका जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों। ये जो कॉन्स्टेबल के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि दोस्तों कि वो कैंडिडेट वो इंडिया का होना चाहिए, इंडिया वाले कैंडिडेट के लिए है स्पेशल। और दोस्तों, मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ और बाकी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कैटेगरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों होनी चाहिए। कॉन्स्टेबल के लिए एसएससी या एसएसएलसी होना चाहिए या फिर मैट्रिक तक पास होना चाहिए। एज जो आपकी कम से कम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। जब आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना, तब आपकी एज 18 होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखी है फिजिकल मेजरमेंट्स कैटेगरी में हाइट चेस्ट दे रखी है। जो अनरिजर्व है दोस्तों और ओबीसी है, उनके लिए मेल की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ओबीसी और अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में है उनकी, और उनकी चेस्ट नॉर्मल एनएक्सपेंडेड जो होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर की उनकी चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर उनका फुलाव होना चाहिए, यानी कि फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट के मेजरमेंट हो जाना चाहिए सेंटीमीटर में। और SC ST के लिए जो मेल की हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, जो फीमेल की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, और जो छाती का फुलाव है, अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट आपका 76.2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, और फुलाव के साथ 81.2 होना चाहिए। और फिर और जो बैकवर्ड क्लासेस की कास्ट रह गई हैं जो इसमें दे रखी हैं कि मराठास, डोगराज, इनका जो हाइट है मेल की 163 होनी चाहिए और फीमेल की 155 होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो 80 और फुलाव के साथ 85। और दोस्तों यहाँ पर ये डेट दे रखी है कि 1 जुलाई 2018, यहाँ तक आपकी क्या होनी चाहिए कि सबको डॉक्यूमेंट पहुँच जाने चाहिए। और बर्थ डेट वही चलेगी जो दोस्तों आपके मैट्रिक में दे रखी है। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है कि SC ST के लिए तो 5 साल तक एज रिलैक्सेशन है, 5 साल ऊपर होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 30 साल तक हो सकते हैं। OBC के लिए 3 ईयर है, एक्स सर्विस मैन के लिए 8 ईयर, ये अलग अलग है। एक्स सर्विस मैन में भी कैटेगरी है कि अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 6, SC ST के लिए 8। तो ये दोस्तों पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ की है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा, ये डेट ऑफ बर्थ की है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चेक करते हैं एग्ज़ाम फीस। एग्ज़ाम फीस में आपको दे रखी है कि ऑल कैंडिडेट्स 500 रुपये फीस है दोस्तों टोटल मिला के। SC ST रेक सर्विस मैन फीमेल माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए 250 रुपये फीस है दोस्तों। और वैकेंसीज की तरफ आप कर एक बार ध्यान दे लेते हैं, जो ये जोनल रेलवे दे रखे हैं दोस्तों कि नॉर्थ रेलवे कौन सा रेलवे जो भी है, तो इसमें टोटल वैकेंसीज 804 हैं, ऐसे टोटल मिला के बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब हाउ टू अप्लाई वो तो मैं दोस्तों आपको बता ही दूंगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है कैसे नहीं। ये देखिए, अपलोडिंग के लिए आपको क्या क्या साइज़ की फ़ोटोग्राफ और ये चाहिए होंगी, ये आप बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने लिए, वो हम फॉर्म भरते हुए कर लेंगे। तो सबसे पहले हम, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं फॉर्म अप्लाई करना। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप चूज़ करिएगा कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप D कौन सा आप चूज़ करना चाहते हैं। तो हमें ग्रुप D के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। जो ये डिटेल दे रखी है दोस्तों कि NR का मतलब क्या है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे,
ये बहुत सारे दे रखे हैं दोस्तों। तो मेन तो कांस्टेबल की दोस्तों ग्रुप डी के लिए करनी है अपने को। जिस भी ग्रुप के लिए करनी है आप वहाँ पर कर सकते हो। जिस रेलवे डिपार्टमेंट में आपको जाना है, नॉर्थ में जाना, साउथ में जाना है, वेस्ट में जाना है, ईस्ट में जाना, जहाँ पर भी आपको जाना है वो कर लीजिए दोस्तों। अब ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको क्लिक करना होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बार क्लिक करना होगा और सबमिट पे कर दीजिए दोस्तों। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका नेम टाइप कीजिए दोस्तों। नेम वही टाइप करना है जो आपके सर्टिफिकेट मैट्रिक में है। ये मैंने टाइप कर दिया दोस्तों। दोबारा आप नाम टाइप करिए। अब डेट ऑफ बर्थ आपकी सिलेक्ट करिए दोस्तों कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर अभी टाइप कर देता हूँ दोस्तों। ये कर दी दोस्तों। अब जेंडर सिलेक्ट कीजिए दोस्तों, अगर मेल हो तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। सिर्फ दो के लिए फॉर्म है। आधार कार्ड दोस्तों बहुत ज़रूरी है वैसे तो इसमें आप आई है वह आधार कार्ड टाइप कर दीजिएगा अगर आपके आधार कार्ड है, या फिर आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं तो आपका आधार एनरोलमेंट नंबर भर दीजिएगा। ये मैंने आधार कार्ड भर दिया दोस्तों। अब फादर नेम वही भरना दोस्तों जो आपकी DMC मार्कशीट में है। मदर नेम भी वही भरना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 10th क्लास का आपका जो रोल नंबर है वो टाइप करना है दोस्तों। तो हम वो भी टाइप कर देते हैं दोस्तों। या फिर आपने SSLC का एग्ज़ाम दिया तो वो भी टाइप कर सकते हो दोस्तों। ये मैंने टाइप कर दिया दोस्तों। ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास की थी वो आपकी DMC पे होगा, तो मार्च 2015 में की थी दोस्तों मैंने। मोबाइल नंबर आपको भरना होगा दोस्तों, और हर एक ID पे, हर एक रजिस्ट्रेशन में यूनिक होगा दोस्तों। इस पे आप दो हर जगह दो नंबर यूज नहीं कर सकते। ईमेल ID आपको भरनी होगी दोस्तों ताकि उस पर मैसेज आए। हमने ईमेल ID भर दी दोस्तों, वापस दोबारा भर दीजिए। अब जो आपका सिक्योरिटी कोड है दोस्तों ये आपको भरना होगा, और ये केस सेंसिटिव होता है दोस्तों कि छोटे बड़ा आपको जैसा दे रखा वैसा ही भरना होता है। अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आई हेयर बाय डिक्लेयर्ड, फिर क्लिक टू कंटिन्यू कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों आपका आ गया है कि आपने ये डिटेल भरी थी, आप इसे कन्फर्म कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप बदलना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आ गया है कि योर एप्लीकेंट डिटेल्स आर एक्सेप्टेड एंड 1 टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा दोस्तों, तो आपको वेरीफाई करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और मैंने कहा था कि मेरे पास मैसेज आ गया, तो उसमें ये OTP आ चुका है दोस्तों। मेरा OTP जो हम टाइप करेंगे, पहले आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID डालनी होगी दोस्तों जो आपने वहाँ पर फिलअप की थी। अब यहाँ पर OTP दो जगह आया है दोस्तों, एक आपका मोबाइल पे, एक आपकी ईमेल ID पे। तो दोस्तों मैं अपना मोबाइल वाला तो यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, और ईमेल ID वाला भी अभी टाइप कर देता हूँ मैं। दोनों OTP होने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरा OTP जो मेल से आया दोस्तों ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद में कैप्चा नंबर हम डाल देते हैं जैसा इसने दिखा रखा है, और फिर सबमिट कर दीजिए दोस्तों।
अभी देखिए दोस्तों, इसने बता दिया कि यार यो रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन हो चुका मेरा, अब हम लॉग इन करते हैं। अब जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, हम वो डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भी दोस्तों आपको अपने मोबाइल पे मिल जाएगा और आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगा जो आपने इसमें डाली है, और आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है दोस्तों। कैप्चर नंबर डालना है, और लॉग इन कर देना है। ये देखिए दोस्तों, लॉग इन हो चुका है। अब आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन जो भी आप बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम, हम हिंदू हैं तो मैं हिंदू सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुस्लिम हो मुस्लिम सिलेक्ट कर देना, और कम्युनिटी जो भी है SC ST OBC। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, SC दे रखा है, ST दे रखा है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में। अब ये हर एक का सर्टिफिकेट होता है अलग अलग, तो आपकी कास्ट लिखनी होगी दोस्तों यहाँ पर। स्टेट मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा चूज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट भिवानी। एक्स सर्विस मैन, एक्स सर्विस मैन वो था दोस्तों किसी के घर में कोई नहीं दोस्तों, ये वे नहीं है, ये आया आर यू एन एक्स सर्विस मैन, यानी कि आप पहले भी सर्विस में रह चुके हैं या नहीं रह चुके, तो हम नहीं है दोस्तों, हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। डोमिनेंट डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप जम्मू कश्मीर से रहने वाले, अगर हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिए दोस्तों। और ये वाला है कि आर यू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम अदर देन एक्स सर्विस मैन हु आर रिटायर्ड इन नॉट लॉस देन 3 ईयर्स, तो दोस्तों ये भी वही कि आप अगर एक्स सर्विस मैन रह चुके हो पहले भी तो नहीं दोस्तों। ये EBC वाला इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड सर्टिफिकेट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो। और अगर दोस्तों इन आप इन कास्ट में हो तो आपके लिए जो रिलैक्सेशन दी जाती है फिजिकल की, अगर आप में इसमें हो तो यस कर देना, नहीं तो नो। अब आप जोन सिलेक्ट करिएगा दोस्तों कि जोनल रेलवे प्रेफरेंस आप पहले किसको रखना चाहेंगे, तो सबसे पहले NCR को या NWR को, जैसा भी आप करना चाहें। इसमें चार आपको सिलेक्ट करने होंगे दोस्तों, ये नंबर वाइज। तो हमने नंबर वाइज भर दिए हैं, जो आपकी पहली पसंद है वो ऊपर आना चाहिए, जो सेकंड पसंद है वो नीचे आना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बोर्ड सिलेक्ट करिए, आप टेंथ आपने कहाँ से की है, स्टेट बोर्ड से की तो स्टेट बोर्ड टाइप कर दीजिए। राज्य कौन सा, हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट कौन सी, भिवानी। एरो पासिंग 2010, हमारे परसेंटेज थी, जितनी परसेंटेज थी, पॉइंट वाला मत लिखिए दोस्तों, सिर्फ वही लिखिए जो है। पॉइंट वाला चलता नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास डिग्री है कोई तो आप टाइप कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप खाली छोड़ सकते हो। ये मैंने खाली छोड़ दी क्योंकि हम 10th बेस पे भर रहे हैं, UG के हमारे पास कोई नहीं है। अदर क्वालिफिकेशन दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो कर सकते हो, हमारे पास और भी क्वालिफिकेशन है, मैं +2 पास हूँ तो अदर मैन कर दी है। मदर टंग दोस्तों, आपकी मदर टंग कौन सी है वो आप टाइप कर सकते हो, तो मदर टंग यहाँ पर आप हरियाणवी, मैं हरियाणा से तो हरियाणवी भी कर सकता हूँ, या फिर हिंदी, आप हिंदी चूज करिएगा दोस्तों, हरियाणवी मत चूज करिएगा। यहाँ पर आप हिंदी टाइप करिए, आपको अगर इंग्लिश में देना तो इंग्लिश में। अब आपका एड्रेस चूज करिए दोस्तों, एड्रेस वही भरना जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में है। स्टेट चूज करना,
दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, वही सब कुछ वही है, क्लासिफिकेशन सिटी है, टाउन है आपके जो भी है, तो मेरा विलेज था। पिन कोड आप डाल दीजिए अपना, फिर उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दीजिए और अगला पेज पे कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी दोस्तों। अगर आप किसी वजह से अगर आप नहीं दे पाते हो एग्ज़ाम, या आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपकी फ़ीस रिफंड कर दी जाएगी। उसके लिए आपको ये डिटेल फिलअप करनी होगी दोस्तों। इसमें दोस्तों ये इसलिए मांगा जाता है ताकि अगर आप नहीं दे पाते तो आपकी फ़ीस जो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डालोगे ना उसमें चल जाती है। चाहे आप फीस पेमेंट दुकान से कटवाओ चाहे कहीं से कटवाओ, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो डिटेल देंगे ना वो अपने बैंक की ही देना दोस्तों, ताकि जब आपका रिफंड हो तो आप अपने बैंक के अंदर ही आपका जो डिपॉजिट है वो चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपका नेम भरना, अकाउंट होल्डर नेम, अब अकाउंट नंबर टाइप करना है दोस्तों आपको। और कंफर्म करना है दोस्तों दोबारा। अब IFSC कोड लिखना है दोस्तों आपको। IFSC कोड फिर कंफर्म करना है। अभी आपकी डिटेल हो गई है, फिर से यहाँ पर क्लिक करना दोस्तों। आपको डिक्लेरेशन देनी है और सेव अकाउंट डिटेल करनी है दोस्तों। अब पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। तो आप पोस्ट ऑफिस से करना चाहते हो पोस्ट ऑफिस कर दीजिए, बैंक से करना चाहते हो बैंक से। अब यहाँ पर बैंक से करके दोस्तों पे नाउ कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों आप किसे चार्ज आपका जो पेमेंट है वो कटाना चाहते हैं। अदर बैंक से अगर आप अदर बैंक से करवाते हो तो बैंक चार्ज आपका 6 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और SBI से करवाना चाहते हैं नेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग अगर SBI करते हो चार्ज 0, अगर अदर बैंक की नेट बैंकिंग लेते हो चार्ज 6 रुपये लगेगा, और स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड लेते हो तो चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा, अदर बैंक का डेबिट कार्ड लेते हो तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो हम अदर बैंक का डेबिट कार्ड कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपकी जो अमाउंट फ़ीस है वो 500 रुपये है, ID ये आपकी रही है, नाम ये रहा है, अदर इंफॉर्मेशन इन्फो 51 जो ये दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आप ऐसे यहाँ पर फीस कटा के पेमेंट करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और आपका जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके बाद में मांग लिए जाएंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म फिल हो जाएगा तब। तो दोस्तों यहाँ पर आप डेबिट कार्ड कर दीजिए और यहाँ पर आप चूज़ करके पे कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद में आपका जो भी है फीस कटने के बाद आपके डॉक्यूमेंट मांग लिए जाएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, वो सब कुछ आपका दिखा देगा दोस्तों। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्यूरी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपका उसका आंसर दे दूंगा। दोस्तों इस फॉर्म की लास्ट डेट है 30 जून, तो उससे पहले पहले आप फिलअप कर देना। और जो इस साइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इसके जो और भी SI वाले इधर सिर्फ कॉन्स्टेबल का भरा, सेम टू सेम ऐसे ही और भी बहुत सारे इसके जो फॉर्म निकले हुए हैं आप भर सकते हैं दोस्तों ऐसे ही साइट पे जाके। मैं इसके ऑफिशियल साइट भी आपका जो लिंक में दे दूंगा, लिंक उसका दे दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और हमारी और भी वीडियोज़ हैं बहुत सारी, उन्हें भी देखना मत भूलना दोस्तों।